हमारी तरफ से रोहित को हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। कौन सी एनिवर्सरी आपकी? ये हमारी 5th वेडिंग एनिवर्सरी है। आज साल हो चुके हैं इनकी शादी को। रोहित को देख के मुझे लग रहा है 5 साल मेरे भी आराम से चले जाएंगे। तो मतलब अब रंजना जी भी हमें जानती है, तो बहुत जल्दी हम इनके अगले गाने के कपल होने वाले हैं। तो बहुत जल्दी हम आपको गाने में देखेंगे। मैं बहुत ढूंढ रही थी तुम्हें, बहुत ज्यादा वहाँ से देखा मैंने, मैंने कहा मैं राहुल को ढूंढते ढूंढते पहुंचूंगी। चाय कुछ मेरा नाम उर्मिला जोशी है, सिमड़ी गाँव से। तो गाइज मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे बहुत ही अलग सा कंसेप्ट लेके भैया लोग आए हैं। पहले यहाँ दिखाइए, स्मोक वेफर स्मोक बिस्किट्स। तो भैया सच में धुआं निकलेगा खा गया? नहीं धुआं निकलेगा, धुआं ना निकले पैसे वापस। तो धुआं ना निकले तो पैसे वापस। धुआं तुम तो नहीं मारोगे ना हमारे को बिस्किट खिलाने? आप खाओगे, आप ही निकालोगे। अच्छा हाँ, तो ये मुंह पे धुआं अलग से नहीं मार रहे। तो आइए देखते हैं कौन सा खिलाओगे भैया। पहले कुछ इसमें डालोगे ऊपर से? हाँ जी, नाइट्रोजन डलेगी लिक्विड। अच्छा इसमें नाइट्रोजन अलग से डलेगी, तो मतलब बिस्किट के साथ नाइट्रोजन भी खरीदनी पड़ेगी हमें? नहीं, दोनों साथ ही आएगी। तो कुछ अलग सा कर रहे हैं भैया, प्रोसेस आप देख सकते हैं। ये भैया बिस्किट बेचने वाले कम जादूगर ज्यादा लग रहे हैं मुझे। अभी ये कबूतर तो नहीं निकालोगे इसमें से? और ये नाइट्रोजन उठा लिया भैया ने, ये तो बिस्किट खाया भी नहीं, धुआं तो निकल गया। और गाइस देख सकते हैं धुएंदार बिस्किट लग रहे हैं मेरे को, तो ठंडे हो चुके हैं एकदम। नाइट्रोजन ठंडी होते हैं ना। अगर किसी को अपने घर वालों के साथ प्रैंक करना है बीड़ी सिगरेट का, तो उनके लिए बनाए भैया ने ये बिस्किट। देखिए नाइस कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट है, अट्रैक्टिव कॉन्सेप्ट है भैया का। तो यहाँ पर स्टॉल्स लगी हुई है बहुत सारी, वहाँ पे लाला जी की दिल्ली चाट कैटर्स, ये यहाँ से हमने पिज्जा खाया था लास्ट टाइम। बहुत सारे स्टॉल्स हैं यहाँ पर, अगर आप यहाँ मेले में आते हैं तो खाने पीने के तो टेंशन ना ले, बस पैसे लेके आए, खाना भी ना खोवे यहाँ पे। सो गाइस वहां से हम लोग आ चुके हैं जहां पर प्रोग्राम चल रहा है वसंतोत्सव का, लेके चलते हैं हम आपको। और यहां पर भी बहुत भीड़ हो रही है, यहां पर स्टेज लगा हुआ है, बहुत भीड़ है। ये देखिए दिखाता हूं आपको, और मैं बताना चाहूंगा कि राजेंद्र चौहान जी का आज बर्थडे है, साथ ही साथ रोहित चौहान और उनकी वाइफ की आज वेडिंग एनिवर्सरी है। सो गाइस थोड़ी देर में हमारे साथ होंगे रोहित चौहान और उनकी वाइफ, और हम आपको मिलवाएंगे उनसे जल्दी। और जैसा मैंने बताया कि आज उनकी वेडिंग एनिवर्सरी है, तो हम उनको देंगे बहुत सारी शुभकामनाएं और थोड़ी बहुत बातें करेंगे। तो आप लोग बने रहे हमारे साथ इस व्लॉग में। गाइस फाइनली हमारे साथ है रंजना जी, जिनको किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। आज रंजना जी और इनके हस्बैंड रोहित चौहान, जिनको सारा उत्तराखंड जानता है, इनकी एनिवर्सरी है। इन लोगों को भी इक्वली पूरा उत्तराखंड जानता है। इन लोगों के आजकल व्लॉग्स मैं भी देख रही हूँ, रील्स भी वायरल होने लग गई है। अभी आपने कुछ शादी में गए थे शायद, वहाँ बनाई थी, वो मेरे को किसी ने भेजी कि इनको जानते हो, मैंने कहा हाँ मैं जानती हूँ। तो उन्होंने बोला यार बहुत अप्रिशिएट आपके, वो नॉन उत्तराखंडी थे, तो उन्होंने मुझे भेजा है, बहुत अच्छा हो रहा है, प्रोग्रेस कर रहे हैं, सब चीजें बहुत अच्छी हो रही है, थैंक यू सो मच। और रंजना के भी मिनी व्लॉग्स मैं देखती हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे। एंड रोहित का तो लाइक यू एवरीवन नोज ही, और अलग हो रहा है। तो मतलब अब रंजना जी भी हमें जानती है, तो बहुत जल्दी हम इनके अगले गाने के कपल होने वाले। तो बहुत जल्दी हम आपको गाने में देखेंगे। हम कौतिक भी गए थे, हम इन लोगों से मिल नहीं पाए थे, इसीलिए हम स्पेशली आए कि आज तो हम इनसे मिलके ही जाएंगे। और एक तरफ ये देखिए रोहित जी अभी बिजी है, सेलिब्रिटी हमारे उत्तराखंड के थोड़े से बिजी है। तो सबसे पहले हमारी तरफ से रोहित को हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। कौन सी एनिवर्सरी आपकी?
ये हमारी फिफ्थ वेडिंग एनिवर्सरी है, 5 साल हो चुके हैं इनकी शादी पर। रोहित को देख के मुझे लग रहा है 5 साल मेरे भी आराम से चले जाएंगे। होपफुली जाने चाहिए पक्का बढ़िया से, और सबकी यही उम्मीद है कि सबके बढ़िया से ही सारे साल जाने चाहिए। और आप सभी को नमस्कार, और जो भी ब्लॉग्स देख रहे हैं सभी दर्शकों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा नमस्कार, और ऐसे ही ब्लॉग्स को भी प्यार देते रहिए और हमारे गानों को भी प्यार देते रहिए। तो रोहित जी के गाने आप सभी ने सुने होंगे, और रोहित मतलब जिस भी गाने को गाता है वो अलग ही लेवल पे चला जाता है, वो ट्रेंड में आ जाता है। तो रोहित थैंक यू, और हम चाहते हैं ऐसे ही आप गाने हमारे उत्तराखंड के लिए गाते रहे। पूरी कोशिश रहेगी कि हमेशा अच्छे गाने लाए ताकि आप सबको पसंद आए, और इसी तरह आप सबका प्यार हमेशा बना रहे। थैंक यू सो मच। सो हमें बहुत अच्छा लगा रोहित से बात करके, थैंक यू रोहित। So, guys, रोहित चौहान और रंजना से मिलने के बाद हमें काफी अच्छा लगा, बहुत स्वीट है दोनों, बहुत स्वीट है। तो ये देखो आज पूजा नाम राशि के बहुत से बंदे हमें मिल रहे हैं, मेरी नाम राशि तो काफी, तो दो और सब्सक्राइबर हमें मिले हैं। आपका नाम? आकांक्षा। आपका? पूजा। पूजा, तो आप लोगों को कैसे लगते हैं हमारे ब्लॉग्स? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। बोल रहे थे आकांक्षा? हाँ मैं बोल रही थी, मेरा वर्क फ्रॉम होम चलता है, कई बार ना मैं काम करते करते आपका ब्लॉग देखती हूँ। तो उत्तराखंड में कहाँ से हैं आप? मैं पौड़ी गढ़वाल से हूँ। पौड़ी में कहाँ से? पौड़ी में मेरा गांव है पलासू। सिस्टर्स? नहीं सिस्टर्स नहीं है, हम फ्रेंड्स हैं, स्कूल फ्रेंड्स। अच्छा स्कूल फ्रेंड्स है। तो हाँ। बहुत अच्छा लगा हमें इन लोगों से मिलके। तो यहाँ घूमे क्या क्या, अभी आपने कुछ लिया या देखा क्या? मैंने बहुत सारा ले लिया। ये टोपी भी यहीं से ली है? और ये भाई ये झूठ बोल रही है, इनके पास अगर शॉपिंग करी होती तो पहले भी होते, जैसे हमारे पास है पहले रखती है, पहले रखती है, स्कूटी में रखती है। सो हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप सब लोग हमारे ब्लॉग को देखते हो और हमें पहचानते हो, ऐसे तो मतलब लग रहा है रील मतलब पहुंच रही है हमारी वीडियोस लोगों तक है। चलो थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। डॉली ने बोला भी अगर वहाँ पूजा मिले ना गिफ्ट ले लेना उसका। सो गाइस यहाँ पर दीदी ने आधा किलो अचार टेस्ट करने के बाद 250 ग्राम ले लिया है, और ये तरीका ये और दिव्या ने सारे अचार टेस्ट कर दिए। दीदी और दिव्या ने तो आधा किलो टेस्ट करने के बाद 250 ग्राम अचार ले लिया इन्होंने। भैया सोच रहे हैं 250 ग्राम बिक गया, पर उन्हें ये नहीं पता आधा किलो लॉस में है, वो लॉस में चले गए। तो ये ऐसे ही करते हैं किसी भी मेले में जाते हैं। और अभी हम आए हैं कुछ खाने, हम सोच रहे हैं थोड़ा इतना हम घूम फिर गए हैं थोड़ा कुछ खाना पीना हो जाए, और जल्दी से खाते हैं कुछ खाना। और क्या खाते हैं दिखाते हैं आपको, आप लोग बने रहे हमारे साथ इस व्लॉग में और व्लॉग को एंड तक एंजॉय करें। गाइस हम लोग चल चल के बहुत थक गए थे, और अब हम आ चुके हैं यहाँ स्पेशल पनीर छोले भटूरे वालों के यहाँ, और इनसे हमने ले लिए हैं छोले भटूरे। तो खाते हैं जल्दी से और बताते हैं आपको कि टेस्ट कैसा है। तो गाइस जैसा आप लोग देख सकते हैं कितनी भूख लगी हुई सबको, तो ये लोग ट्राई कर रहे हैं छोले भटूरे, और मैंने भी करे, काफी अच्छा टेस्ट है। लेकिन एक बार इनसे भी जानते कैसे है छोले भटूरे। सही है जी, जो कैसे लगे आपको? हमारे देहरादून में तो बहुत ही पतले और क्रिस्पी भटूरे बनते हैं, उसके हिसाब से मुझे कुछ जमे नहीं खास। तो जीजा जी इतने संतुष्ट नहीं है भटूरे खा के, लेकिन आइए दीदी से जानते हैं। मुझे तो भूख लग रही है, तो मुझे अच्छे ही लग रहे हैं, तो मुझे स्वाद पे ज्यादा मैं ध्यान नहीं दे रही, पर अच्छे हैं, पर अच्छे हैं। तो जल्दी से खाते हैं हम लोग और खत्म करते हैं, भूख मिटाते हैं। तो गाइस ये देख सकते हैं यहाँ छोल ये मसाला डोसा मंगवाया था, लेकिन जब ये आधा डोसा रह गया तब याद आया कि इसका भी शॉट ले लेते हैं, क्योंकि जो दीदी है ना भाई इतना खाने में लगी हुई है ना। सिर्फ मैं नहीं खा रही हूँ, ये सब भी है, लेकिन सिर्फ टारगेट मुझे किया जा रहा है, लेकिन मैं कल चली जाऊंगी। अब जीजू कह रहे सेहत को देखते हुए टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो दिव्या साइड में खड़ी है, ऐसा नहीं है कि इसने खाया नहीं है, वो जो आधा खत्म हुआ था वो पहले इसी ने खाया। मैं तो कुछ भी नहीं खाया, मैंने हाथ भी नहीं लगाया डोसे। यहाँ हमें हमारी एक सब्सक्राइबर मिली है, आंटी आप कहाँ जाए हो? यही इंद्रपुरम से। और आंटी बोल रही है मैं ढूंढते हुए आई है। मैं बहुत ढूंढ रही थी तुम्हें, बहुत ज्यादा वहाँ से देखा मैंने, मैंने कहा मैं राहुल को ढूंढते ढूंढते पहुंचूंगी चाय को। जो मेरा नाम उर्मिला जोशी है, सिमड़ी गाँव से हूँ। कहाँ पड़ता है आपका गाँव? ये हटली में, मतलब रिखड़ी खाल ब्लॉक में। मेरी माई मम्मी भी माइके से जोशी हैं। मैं भी जोशी हूं। मेरी मम्मी पोखड़ा की है, पोखड़ा की। हम भी पोखड़ा के वैसे मेन तो। मेन तो पोखड़ा के, पर वहाँ बस गए, बस गए वहाँ। जब तुम ससुराल भी गए थे तब भी देखा था आपका डांस, मेरे को बहुत अच्छा लगा। जब शादी के बाद ही जुड़े साथ आंटी को यूट्यूब आते, सुपर से भी ऊपर जाना आप, बहुत अच्छा। तो आंटी इतनी हसमुख है, और आप देख सकते हैं ये भी जोशी है और इसकी मम्मी भी जोशी है, तो इस हिसाब से इसकी मौसी है। सही बात है, मौसियों में। हम आए हैं रोलर आइसक्रीम खाने, तो आप में से काफी लोगों ने खाई होगी। भैया तो आप बताएंगे क्या होता है इसके नीचे जो ऐसे बनती है आइसक्रीम?
ये जी पहले इस पे रोलर है जी, ये रोलर के ऊपर रबड़ी लगाई जाती है जी, रबड़ी के ऊपर फ्रूट लगाया जाते हैं, फ्रूट आइसक्रीम है जी, फ्रूट का टेस्ट आएगा जी इसमें, इसमें आपको सारे फ्रूट्स का टेस्ट आएगा। तो अभी हम लेने वाले एक प्लेट और देखते हैं कैसी होती है। सो गाइस, ये आइसक्रीम हमने खाई और आइसक्रीम जो है टेस्ट इसका इतना अच्छा हो रहा है, दिव्या खिलाई हो यार, और बहुत टेस्ट हो रहा है यार, बहुत अच्छा टेस्ट। कैसा हो रहा है? अच्छा है, इसमें ऐसे लग रहा है रियल फ्रूट्स है, मजा आ गया। गाइस, यहाँ हमें अपनी एक और सब्सक्राइबर मिल गई है, तो आंटी अपना नाम बताएंगे। मीनाक्षी डोंडियाल बेटा, मीनाक्षी डोंडियाल। और आप कहाँ से हैं? हम पौड़ी गढ़वाल थाईली स्टैंड से। तो आंटी हमें देख के एकदम पहचान गई, और आंटी दिव्या को कह रहे हैं कि एक ऐसी लड़की मेरे लिए भी ढूंढ दे अपनी जैसी, और मैं कह रहा हूँ कि लड़का अपना पछता है फिर। गाइज, हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं और हमें बहुत मजा आया यहाँ पर, कैसा लगा आप सभी को? बहुत अच्छा लगा, एंजॉय किया। हम तो पहले कौथिक में आ चुके थे, तो दीदी और भैया पहली बार आए, आपको कैसा लगा? मुझे अच्छा लगा है, और गढ़वाल की संस्कृति को जो है प्रमोशन मिल रहा है, आप लोग भी दे रहे हैं, कार्यक्रम भी जो हो रहे हैं वो गढ़वाली संस्कृति को बढ़ा रहे हैं, अच्छा है। और दीदी आप? मुझे भी बहुत अच्छा लगा, कौथिक तो नहीं देख पाई पर यहाँ से ऐसा लग रहा है कि हम उत्तराखंड में ही है, तो काफी एंजॉय किया हम लोगों ने। और ये था हमारा आज का व्लॉग, आशा करते हैं आप लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय।